तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। एक हैंडसम एक्टर जो खूबसूरती में अपने साथ काम करने वाली ज्यादातर हीरोइंस पर भी भारी पड़ते थे। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा। एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, लिरिक्स, एडिटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी कमाल दिखाया। पर्दे पर देशभक्ति रोल्स निभाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने झेला था देश विभाजन का दर्द। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभक्ति फिल्में बनाने वाले इस शख्स की बनाई एक भक्ति फिल्म ही बन गई इनके करियर के खात्मे का कारण। घोर कलयुग प्रभु, तेरी इस धरती पे कैसे कैसे इंसान हैं और कैसे कैसे शैतान। और इनकी बनाई इस कॉन्ट्रोवर्शियल भक्ति फिल्म से इनके फैंस को गहरा धक्का लगा। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महब। तो चलिए आपको बताते हैं इन मामलों की पूरी सच्चाई। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड गोल्डन एरा के मशहूर एक्टर मनोज कुमार और उनकी बनाई फिल्म कलयुग और रामायण की। पहले नजर डालते हैं मनोज कुमार के शुरुआती सफर पर। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में हुआ था जो कि विभाजन पूर्व भारत का एक हिस्सा था। उनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। जब वह 10 साल के थे तो उनके परिवार को देश विभाजन के कारण दिल्ली आना पड़ा। उनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के रूप में रहा और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में बस गया। बंबई छोड़ते वक्त किसने सोचा था कैसी बातों का शिकार होना पड़ेगा। जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक है और ताज्जुब नहीं कि एक दिन इत्तेफाक से हम लोग यहां से बच कर भी निकल जाएं। हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। बचपन से ही वो दिलीप कुमार और अशोक कुमार से इंस्पायर्ड थे, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। आपको मेरे तारुफ की जरूरत क्या है, मैं वही हूं जिसे आपने डांटा था कभी। मनोज कुमार का करियर साल 1957 के फिल्म फैशन से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक 80 वर्षीय व्यक्ति का किरदार निभाया था। लेकिन उनके अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की 1962 में प्रदर्शित फिल्म हरियाली और रास्ता से चमका। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। फिर इनकी एक के बाद कई हिट फिल्में आईं, जैसे वो कौन थी, गुमनाम, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, अनीता, आदमी, रोटी कपड़ा और मकान, शोर, लग जा गले के फिर हसीना। साल 1965 में आई फिल्म शहीद में इन्होंने शहीद-ए-आजम भगत सिंह का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया और ये दर्शकों के बीच एक देशभक्त के रूप में मशहूर हो गए। में ही भारत पाक युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें एक लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसे मानते हुए मनोज ने 1967 में उपकार फिल्म डायरेक्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद एक सैनिक और एक किसान की भूमिका निभाई। दीवानों से ये मत पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड जब रोमांस और ट्रेजेडी की दो धाराओं में बह रहा था, उस वक्त मनोज कुमार ने अपने लिए देशभक्ति थीम को चुना
और दर्शकों के दिलों में देश प्रेम का जज्बा जगाया। शहीद और उपकार के बाद देशभक्ति फिल्मों की फेहरिस्त में पूरब और पश्चिम, क्रांति और यादगार जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इन फिल्मों ने इन्हें भारत कुमार का टाइटल दिलवा दिया। दुल्हन चली, ओ बहन चली, तीन रंग की चोली। इनकी निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी इनके कॉलेज फ्रेंड शशि गोस्वामी से हुई। इनके दो बेटे हैं विशाल और कुणाल। कुणाल ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन असफल रहे। इनके भाई राजीव गोस्वामी ने भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग की पर वो भी सफलता नहीं पा सके। आइए अब बात करते हैं इनकी सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी कलयुग और रामायण की। अरे ये सब क्या है? ये कलयुग और रामायण है। मनोज कुमार ने इस फिल्म में रामायण की कहानी को मॉडर्न जमाने में पेश करने की कोशिश की थी। 1987 में रिलीज हुई इस फिल्म में मनोज कुमार अपने भाई राजीव गोस्वामी और एक्ट्रेस माधवी के साथ नजर आए। उनकी पत्नी शशि गोस्वामी फिल्म की प्रोड्यूसर थीं। फिल्म में मनोज कुमार राम भक्त हनुमान बने थे जो धरती पर दशरथ नाम के एक ऐसे पिता से मिलने आते हैं जो अपनी पत्नी और मॉडर्न बेटे तथा बहू से परेशान हैं। हनुमान कैसे उन परेशानियों को सुलझाने में मदद करते हैं इसी पर फिल्म की कहानी आधारित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म क्रिटिक्स ने भी फिल्म की काफी आलोचना की थी। राम और सीता पर आधारित कलयुगी अवतारों को दर्शकों ने नहीं स्वीकारा और फिल्म फ्लॉप हो गई। कई सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया। फिल्म के गाने कलयुग की सीता में हीरोइन के बिकनी वाले सीन से नाराज लोगों ने अमृतसर में इसके कैसेट्स तक जला दिए। इस फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद मनोज कुमार के करियर का ग्राफ लुढ़क गया और दर्शकों ने फिर कभी उनकी किसी और फिल्म को पहले की तरह स्वीकार नहीं किया। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने। जाहिर है कि मनोज इस फिल्म से भी दर्शकों को समाज की बुराइयों का आईना दिखाना चाहते थे, लेकिन उसे पर्दे पर पेश करने के तरीके ने दर्शकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। अब तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आप सब एक साजिश का शिकार हो चुके हैं। खैर, मनोज कुमार साल 1995 में मैदाने जंग फिल्म में आखिरी बार नजर आए। उन्हें बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स जैसे कई और सम्मान भी मिले हैं। मनोज कुमार 85 साल के हो चुके हैं। वो हमेशा अपने दर्शकों को अपना अन्नदाता मानते रहे हैं और मेहनत करने को ही सफलता की कुंजी मानते हैं। हमारे अन्नदाता तो सिनेमा देखने वाले हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, वो टिकट खरीदते हैं तो हमारी जेब में कुछ आता है। हम मनोज जी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया।